हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आम के अचार की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे मॉम के स्टाइल के हैं। तो इसे किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आम को काट लिया है और मैंने खुद से नहीं काटा है, भैया जो हमारे यहाँ रहते हैं उन्होंने पूरे आम मुझे काट के दिए हैं। और उसके बाद हमने फिर धो लिया है पहले आम को और उसके बाद इसे निकाल के एक कपड़े में फैला दिया है और उसके बाद काटा है। और ये 35 करीब आम हैं जिनका मैं अचार बना रही हूँ। और कितनी कितनी सामग्री मैंने इसमें ली है मैं आगे आप लोगों को दिखाते जाऊँगी कि मैंने क्या क्या और कितनी क्वांटिटी में डाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, अच्छी सी एक महक आने लगे इतना इसे भूनना है। और उसके बाद इसका मैं बारीक इसे पीस लूँगी। और ये मैंने लिए हैं मेथी दाना, तो ये 1/2 टीस्पून होंगे, तो ज़्यादा नहीं लिया है, बस इतना ही लेना है, नहीं तो अचार में कड़वापन आ जाएगा ज़्यादा लेने से। तो इन्हें भी भून लिया है और दोनों को अच्छी तरह से पीसना है। और ये ली है मैंने 1 कटोरी सौंफ, तो 30 से 35 आम है तो उसमें इतनी सौंफ पर्याप्त है। इसे भी भूनूंगी और इसे थोड़ा सा दरदरा कर लूँगी, एकदम खड़ी सौंफ मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये ली है मैंने कलौंजी, तो ये 1 टीस्पून है और इसमें कुछ राई के दाने हैं जो मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि अचार में तो राई वैसे ही जाती है, तो इसलिए इन्हें मैंने नहीं निकाला है, इन्हें भी भून लिया है। और 1/2 किलो मैंने ली है इसमें राई, जो पीली वाली राई होती है मैंने वो ली है, तो इसे हमें थोड़ा भूनना है और इसे मैंने एकदम स्लो गैस में इन्हें भूना है, तो जलाना नहीं है इसे, और मतलब इसकी जो नमी है वो चली जाए, बस इतना ही इसे भूनना है। अब मैंने आम को एक टब में निकाल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और करीब 1 से 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैंने दोबारा से इसे इसी कपड़े में फैला दिया है ताकि जितना भी जो पानी इसका निकले तो ये कपड़ा उसे सोख कर ले। और 1 से 2 घंटे इसे मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। मैंने करीब 1 पाव के करीब लाल मिर्च ली है और नमक भी 1 पाव के करीब लिया है और हल्दी पाउडर और जो ज़ीरा और मेथी दाना मैंने पीस लिया है और सौंफ को भी मैंने दरदरा कर लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक एक करके मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ पे 1 पैकेट मैंने जो आम का जो अचार का जो मसाला होता है वो भी भैया लेके आ गए थे, मैंने बोला नहीं था, उन्होंने ले आया था, तो फिर मैंने इसका भी यूज़ किया। तो ये जो मसाला रेडीमेड ये रखे रखे ख़राब हो जाता, तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं ये भी मिला देती हूँ, तो इसे भी मैंने इसमें मिला दिया है। और नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है मैंने क्योंकि कम नमक हो जाएगा तो अचार ख़राब होने का डर रहता है, ज़्यादा नमक होने से कोई बात नहीं मगर कम नमक यदि हो जाएगा तो अचार जल्दी हमारा ख़राब हो जाएगा। और मैंने वहाँ पे तेल को भी गर्म कर लिया है, मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है और करीब 1/2 लीटर तेल अभी मैंने लिया है, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया था और वो क्लिप शायद गलती से डिलीट हो गई। और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे आम जो काट के रखे हुए हैं और सबको इसमें अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और मैंने लिया है 1 ग्लास जार,
ग्लास जार में अचार अच्छा रहता है या फिर चीनी के जो जार होते हैं उसमें? तो चीनी का जार मेरे पास बड़ा नहीं है, छोटे छोटे हैं, और मुझे सारा अचार एक साथ इकट्ठे एक ही बाउल में डालना था। अच्छी तरह से सारे आम को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब आगे का काम कर रहे हैं भैया, तो सारे अचार को जल्दी जल्दी बरनी में डालेंगे। अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ ये तेल जो कि बचा हुआ है। थोड़ा सा तेल मैंने पहले डाल लिया था मसाले में और अब बाकी का तेल डाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें बाद में और भी तेल डालूँगी, कितना तेल लगेगा इसमें ये एक दो दिन बाद फिर देखूँगी, तो उसके हिसाब से मैंने 1 लीटर तेल बुलवाया है और अब इसमें जितना भी तेल लगता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए बाय।